हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम अगेन टू एनअस्थी वीडियो सॉल्यूशन सीरीज इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस लेवल वन क्वेश्चन 171 टू 180 लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 171 सेवेंटी वन द अमोनिया इवोल्व ड्यू टू कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम 1.12 पॉइंट वन टू ग्राम सैंपल ऑफ प्रोटीन कि हमारे पास सैंपल दिया गया प्रोटीन का जिससे अपन ने क्या किया यहाँ पर अमोनिया का फॉर्मेशन किया इस अमोनिया

रिएक्टेड विद रिएक्टेड विद नाइट्रिक एसिड तो क्या हो जाएगा अपने पास टोटल नाइट्रिक एसिड के इक्वेलेंट्स अपन निकालें तो फोर्टी फाइव मल्टीप्लाइड बाई जीरो पॉइंट फोर फोर्टी फाइव मल्टीप्लाइड बाई जीरो पॉइंट फोर ये टोटल मिली इक्वेलेंट किसके नाइट्रिक एसिड के अब इसमें से कुछ पार्ट अमोनिया को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज हुआ और कुछ पार्ट किस को न्यूट्रलाइज करने के लिए हो रहा है यहाँ पर एन को तो अपन यदि एन को न्यूट्रलाइज करने वाले पार्ट को इसमें से माइनस कर देंगे तो हमें क्या आ जाएगा अमोनिया के साथ रिएक्शन किए गए पार्ट ऑफ एच का मिली थ्री हमारे पास आ जाएगा तो इसमें से आपने माइनस कर दिया ट्वेंटी मल्टीप्लाइड बाई जीरो पॉइंट वन तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी सिक्सटीन तो ये मिली मिलीक्वेलेंट्स ऑफ अमोनिया है सिक्सटीन जो कि नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन किया है और ये अमोनिया आपने को किससे मिला था वन ग्राम प्रोटीन सैंपल से मिला था अब इसमें अपन क्या करना चाहें कि मिली इक्वलेंट्स तो आ गए अब यदि अपन निकालना चाहें कि हमारा इसमें वेट क्या होगा अमोनिया का तो हमारे पास जो नंबर ऑफ इक्वेलेंट्स होते हैं नंबर ऑफ इक्वेलेंट्स होते हैं वो होता है मास ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाई इक्वेलेंट मास ऑफ अमोनिया इक्वेलेंट मास ऑफ अमोनिया ठीक है तो लेट से ये तो अपने को निकालना है तो इसको अपन मान लेते हैं W और इक्वेलेंट मास ऑफ अमोनिया हमारे पास कितना होता है 17 ग्राम ठीक है तो यहां पर अपन यदि लिखें कि इक्वेलेंट ऑफ अमोनिया जो हो जाएंगे इक्वेलेंट ऑफ अमोनिया इक्वल टू हमारे पास होगा कैपिटल W अपॉन सेवनटीन ये हमारा इक्वेलेंट ऑफ अमोनिया हो गया ये अपने को कितना दिया हुआ है जो कि रिएक्ट कर रहा है विद HNO3 रिएक्टेड विद नाइट्रिक एसिड तो यहां पर ये 16 मिली इक्वेलेंट है तो 16 मिली इक्वेलेंट को आप कैसे लिखेंगे Equivalent के टर्म में 16 10 3. तो यहां पर डब्लू अपन कैलकुलेट करेंगे तो डब्लू हमारे पास आएगा 0.272 ग्राम ये हमारा क्या आ गया वेट ऑफ अमोनिया आ गया जो कि नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्ट कर रहा है अब इसमें अपन क्या करना चाहेंगे कि अमोनिया में यदि आप गौर से देखें तो एक वन पार्ट हमारा नाइट्रोजन है और थ्री पार्ट हमारे पास हाइड्रोजन है तो वन पार्ट नाइट्रोजन का अपने पास क्या मतलब हो जाएगा कि फोर्टीन ग्राम पार्ट और यहाँ पर हाइड्रोजन का थ्री ग्राम पार्ट तो यदि अपन नाइट्रोजन का मास निकालें या इसका कम्पोजिशन निकालें तो ये कम्पोजिशन क्या होगा फोर्टीन ग्राम डिवाइडेड बाई टोटल सेवनटीन यानी फोर्टीन बाई सेवेंटीन इंटू हंड्रेड ये अपना मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन होगा अमोनिया के एक मोल में या एक इक्वलैंड में आप बोल सकते हैं तो यहां पर हमारे पास किस तरह से निकालेंगे यदि वेट ऑफ अमोनिया अपने पास ये दिया हुआ है जीरो पॉइंट टू सेवन टू ग्राम तो इसमें से नाइट्रोजन का मास कितना होगा मास ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया ये हो जाएगा अपने पास फोर्टीन बाई सेवनटीन ये इसका पोर्शन है जैसे आप मोल फ्रैक्शन निकालते हैं वैसे इन टू जीरो पॉइंट टू सेवन टू तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास ज़ीरो पॉइंट टू टू फोर ग्राम ये मास ऑफ नाइट्रोजन हमारे पास आ गया अमोनिया सैंपल में जो अमोनिया अपने को कैसे निकाला था जो नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्ट कर रहा है और अपने पास ये अमोनिया जो इवॉल्व हुआ था उसमें कंप्लीटली कन्वर्जन हो रहा है नाइट्रोजन का यानी सैंपल में हमारे पास जो नाइट्रोजन है उसका मास अपन ने निकाल दिया सैंपल मास ऑफ नाइट्रोजन ठीक है अब टोटल सैंपल का मास अपने को 1.12 ग्राम दिया गया और सैंपल में नाइट्रोजन का मास अपने पास 0.224 ग्राम आ गया तो हम अपन मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन जो कि अपने को पूछा गया है इन सैंपल निकाल सकते हैं कैसे कि हमारे पास मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सैंपल इंटू तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी ये आ जाएगी ट्वेंटी तो हमारा आंसर हो जाएगा ट्वेंटी परसेंट ऑप्शन सी करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ ऑफ आयन इन ए गिवन सैंपल एन हैल्ट जीरो पॉइंट थ्री जीरो ग्राम ऑफ इट इज डिजॉल्व इन हंड्रेड एम एल ऑफ वाटर एंड इट्स रिक्वायर्ड नाइनटी एम एल ऑफ सेंटीमोलर केमेनोफोर मोलर यानी अपने पास टेन टू दावर माइनस टू मोलर केमेनोफोर यहां पर दिया हुआ है वो भी एसिडिक मीडियम में तो एसिडिक मीडियम में हमारे पास क्या होता है एम एन ओ फोर माइनस जो कि एम ओ फोर दिया गया ये किस में कन्वर्ट होगा एम एन टू प्लस में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर मैगनीज प्लस सेवन ऑक्सीडेशन स्टेट से प्लस टू में जा रहा है एन फैक्टर हमारा फाइव हो जाएगा ठीक है इसी तरह से यहाँ पर ऑक्जलेट आयन देखें तो ऑक्जलेट में हमारे पास सी टू ओ फोर टू माइनस जिसका एम एन ओ फोर माइनस की प्रेजेंस में क्या होगा ऑक्सीडेशन तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा सी ओ टू में यहाँ पर कार्बन प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पर प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट में तो यहाँ पर अपन एन फैक्टर निकाले तो चेंज हमारे पास पर एटम वन का हो रहा है और नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर टू है तो एन फैक्टर टू हो जाएगा ठीक है तो इसमें जब रिएक्शन होगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्जलेट आयन सी टू ओ फोर टू माइनस इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ एम एन ओ फोर माइनस यानी के एम एन ओ फोर तो अपने को यहाँ पर पता करना है किसका वेट ऑफ ऑक्जलेट आयन और अपने को यहाँ पर कितना मास इसका दिया हुआ है टोटल सैंपल का 0.30 इसमें ऑक्जलेट आयन अपने पास लेट से लेट सी टू ओ फोर टू माइनस जो है वो डब्लू ग्राम है ठीक तो हमारे पास क्या हो जाएगा इक्वेलन निकालने के लिए मास ऑफ ऑक्जलेट डब्लू डिवाइडेड बाई सी टू ओ फोर टू माइनस का मोलर मास अपन निकालें मोलर मास ऑफ सी टू ओ फोर टू माइनस तो ये हमारे पास कैलकुलेट करने पे कितना आएगा कार्बन ट्वेल्व इंटू टू प्लस ऑक्सीजन का सिक्सटीन इंटू फोर ये आ जाएगा ट्वेंटी फोर प्लस सिक्सटी फोर तो यहाँ पर हो जाएगा एट और ये एट ठीक है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने की बात आ जाएगी तो डब्ल्यू डिवाइडेड बाई एट्टी एट ये नंबर ऑफ़ मोल्स निकल गए और नंबर ऑफ़ इक्वेलेंट्स कैसे हो? होता है हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेलेंट्स होते हैं नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर तो सी टू ओ फोर टू माइनस का एन फैक्टर टू दिया हुआ है इसको टू से मल्टीप्लाई कर देंगे अब अपन एम एन ओ फोर माइनस का निकालेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है नाइन्टी मिली लीटर दिया गया है इसको अपन लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास नाइन्टी इन टू टेन टू द पावर माइनस थ्री ये लीटर में कन्वर्ट हो गया ठीक है इसके बाद हमारे पास क्या दिया हुआ है ये तो वॉल्यूम दिया हुआ है वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे मोलरिटी से मोलरिटी हमारे पास 10 टू द पावर माइनस -2 मोलर है ये हमारे पास क्या होगा ये नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO4- minus. इसको मल्टीप्लाई करेंगे एन फैक्टर से जो कि हमारे पास 5 है अब यहां पर n नोन हमारे पास क्या है वेट ऑफ ऑक्सलेट आयन तो इसको सॉल्व करेंगे आप तो वेट हमारे पास आ जाएगा 0.198 ग्राम अब ये वेट जो आया हमारे पास वो सैंपल में है और अपने को मास परसेंटेज इसका निकालना है तो हमारे पास मास परसेंटेज ऑफ ऑक्जलेटाइन सी टू ओ फोर टू माइनस इन गिवन सैम्पल जो हो जाएगा वो क्या होगा हमारे पास ज़ीरो पॉइंट वन नाइन एट ग्राम मास ऑफ ऑक्जलेटाइन है डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ सैम्पल विच इज़ ज़ीरो पॉइंट थ्री जीरो ग्राम मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड तो हमारा परसेंटेज जो आएगा वो आएगा सिक्सटी सिक्स परसेंट तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है वन सेवेंटी थ्री वन सेवेंटी थ्री में हमें क्या बोला गया थ्री ट्वेंटी मिलीग्राम ऑफ ए सैंपल ऑफ मैग्नीशियम हैविंग ए कोटिंग ऑफ इट्स ऑक्साइड रिक्वायर्ड ट्वेंटी एम एल ऑफ़ जीरो पॉइंट वन मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड कि हमारे पास जो एच सी एल दिया हुआ है या रिक्वायर्ड है उस वो हमारे पास क्या कम्पोजिशन दिया हुआ है ट्वेंटी मिली लीटर एंड जीरो पॉइंट वन मोलर फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन तो कंपोजिशन हमारे पास सैंपल का क्या होगा तो अपने को पता क्या करना है कि हमारे पास 320 मिलीग्राम सैम्पल है जिसमें मैग्नीशियम और उसमें ही ऑक्साइड की कोटिंग हो रखी है यानी हमारे पास मैग्नीशियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड का परसेंटेज कंपोजिशन अपने को निकालना है मास परसेंटेज अपने को निकालना है ठीक है तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की एच के साथ में यदि आप रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा एम जी सी एल टू प्लस एच टू तो अपन इसको बैलेंस करें तो यहाँ पर टू एच दैट मीन्स अपने पास एच की यदि टू मोल कंज्यूम हो रहे हैं तो उसके लिए मैग्नीशियम ऑक्साइड मिनिमम वन मोल रिक्वायर्ड होगा अब यहाँ पर एच जो कंज्यूम हो रहा है या रिक्वायर्ड हो रहा है उसके मोल्स अपन निकालें तो हमारे पास क्या हो जाएगा मिली मोल्स ऑफ एच सी एल इक्वल टू ट्वेंटी इंटू जीरो पॉइंट वन इक्वल टू टू तो इसी के बेसिस पे अपन बोलें कि मिली मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्टेड विद एच जो एच के साथ में रिएक्ट करेंगे वो क्या हो जाएगा यहाँ पर टू मोल के रेस्पेक्ट में वन मोल था तो वन के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा वन बाई टू हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर वन बाई टू मल्टीप्लाइड बाई टू होगा वन मोल के रेस्पेक्ट में हाफ मोल है तो टू मोल टू मिली मोल के रेस्पेक्ट में हाफ इंटू टू यानी वन मिली मोल हो जाएगा अपने पास ठीक है तो ये हमारे पास एम जी ओ का मिलीमोल आ चुका है अब अपने को चाहिए कि मास ऑफ एम जी ओ निकालें अपन कि मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रेजेंट इन सैंपल तो इसके लिए क्या करेंगे हमारे पास वन मिलीमोल है तो वन इंटू टेन टू तो दी बार माइनस थ्री मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके मोलर मास से मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो मोलिकुलर वेट होगा वो कितना होगा फोर्टी ग्राम इसको 40 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी कितनी 40 मिलीग्राम ठीक है यहां पर 40 10 इंटू ट्वेंटी माइनस थ्री ग्राम आता उसे अपन ने क्या लिख दिया 40 मिलीग्राम लिख दिया क्योंकि अब अपने को यदि मास परसेंटेज निकालना है एम का सैंपल में इन सैंपल तो यह हमारे पास आ जाएगा हमारे पास फोर्टी मिलीग्राम टर्म्स में ही है यहां पर मास का सैंपल भी थ्री ग्राम है मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड तो ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट आएगी तो हमारे पास सैम्पल में मैग्नीशियम ऑक्साइड का कितना परसेंटेज है ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है ए ऑप्शन में ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट तो मैग्नीशियम ऑक्साइड है और रिमेनिंग हंड्रेड माइनस ट्वेल्व पॉइंट फाइव यानी एट्टी सेवन पॉइंट फाइव हमारा मैग्नीशियम रह जाएगा तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट है वन सेवेंटी फोर इसमें क्या पूछा गया The concentration of bivalent lead ions in a sample of polluted water that also contains nitrate ions is determined by adding solid sodium sulfate to exactly 500 ml water. Calculate the molarity of lead ions if 0.355 gram of sodium sulfate was needed for complete precipitation of lead ions as sulfate. That means that bivalent any lead 2 plus. Hai. Aur यहां पर सोडियम सल्फेट ऐड किया तो उससे हमारे पास क्या आएगा एसओ फोर टू माइनस आएगा ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो हमारे पास लेड सल्फेट का पीपीटी बन जाएगा प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा तो मेनली ये कंप्लीट रिएक्शन होगी कब जब हमारे पास इन दोनों के मोल्स सेम आए यानी हमारे पास मोल्स ऑफ एन ए टू एस ओ फोर रिक्वायर्ड इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएंगे मोल्स ऑफ पी बी टू प्लस ठीक है अब अपने को मोल्स क्यों रिक्वायर्ड है लेड की क्योंकि अपने को मोलरिटी उसकी निकालनी है और यही अपने पास एन ए टू एस ओ फोर के मोल से पता लग जाएगा क्यों एस ओ फोर टू माइनस में ऐसा बोल रहे हैं अपन कि एन ए टू एस ओ फोर को यदि आप न्यूट्रलाइज करते हैं तो किस में डिसोसिएट होगा टू एन ए प्लस प्लस एस ओ फोर टू माइनस में तो यदि ये वन मोलर सोल्यूशन है तो यहाँ पर सल्फेट भी वन मोलर होगा और सोडियम हमारे पास टू मोलर हो जाएगा ठीक है तो इस बेसिस पे अपन यहाँ पर देख लेंगे तो मोल्स ऑफ एन ए अपन निकालें तो जीरो ग्राम सैंपल दिया गया मास ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ एन एस ओ फोर जो कि हमारे पास क्या होता है वन फोटी टू तो इसको वन फोर्टी टू से डिवाइड कर देंगे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू फाइव विच इज़ मोल्स ऑफ लेड प्लस अब मोल्स ऑफ लेड टू प्लस तो अपने पास आ गया आपने को क्या चाहिए कंसनट्रेशन यानी मोलरिटी चाहिए तो मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर तो हमारे पास 500 हंड्रेड लीटर का सोल्यूशन होगा फाइनली तो ये क्या लिख देंगे अपन 0.50 पॉइंट लीटर इसको आप लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा फाइव हंड्रेड डिवाइडेड बाई वन थाउजेंड लीटर तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास क्या हो जाएगी फाइव इंटू टेन टू दावर माइनस थ्री मोलर ये लेड टू प्लस की कंसेंट्रेशन हो जाएगी जो कि कौन से ऑप्शन से मैच कर रही है ऑप्शन सी से मैच कर रही है नेक्स्ट क्वेश्चन है 175 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रिक एसिड जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.05 ग्राम पर एमएल कंटेनिंग 12.6 वेट बाय वेट ऑफ एच गिवन है दैट रिड्यूस इनटू एन इज रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज आयरन वन ग्राम सैंपल हमारे पास दिया गया एफ ई एस ओ फोर पॉइंट सेवन टू का एसिडिक मीडियम में तो हमारे पास क्या हो रहा है कि एफ ई एस ओ फोर पॉइंट सेवन एच टू की रिएक्शन हो रही है नाइट्रिक एसिड के साथ नाइट्रिक एसिड इसको ऑक्सीडाइज़ कर रहा है यानी एफ ई यहाँ पर प्लस टू स्टेट में तो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा एफ ई थ्री प्लस स्टेट में कर देगा और नाइट्रिक एसिड खुद रिड्यूस हो जाएगा किस में एन ओ में यानी यहाँ पर हमारे पास इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अपन निकाल ले तो हाइड्रोजन की प्लस वन होती है नाइट्रोजन की एक्स मान लेते हैं ऑक्सीजन की माइनस टू होगी इक्वल टू जीरो तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो एक्स इज इक्वल टू प्लस फाइव इसी तरह से यहाँ पर नाइट्रोजन देखें तो यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू हो जाएगी अब यदि एन फैक्टर देखें तो प्लस फाइव से प्लस टू में जा रहा है तो यहाँ पर एन फैक्टर क्या हो जाएगा थ्री हो जाएगा और यदि प्लस टू से प्लस थ्री में जा रहे हैं तो यहाँ पर एन फैक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पर एन फैक्टर हमारे पास वन हो जाएगा ठीक है अब अपने को देखना है कि यहाँ पर वॉल्यूम क्या होगा नाइट्रिक एसिड का सबसे पहले तो अपने पास स्पेसिफिक ग्रेविटी अपन देख लें कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो होती है हमारे पास डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन या नाइट्रिक एसिड जो भी यहाँ पे डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट फोर डिग्री सेंटीग्रेड विच इज़ वन ग्राम पर एम तो हमारे पास जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी वही डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन हो जाएगी तो यहाँ पर डेंसिटी ऑफ एच क्या दिया हुआ है वन पॉइंट जीरो फाइव ग्राम पर एम एल हुई है यही हमारा क्या हो जाएगा मास पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा तो यदि अपन निकालना चाहें कि हमारे पास मास क्या होगा नाइट्रिक एसिड का अकॉर्डिंग टू दिस तो हमारे पास वॉल्यूम मान लेते हैं लेट वॉल्यूम ऑफ एच एन ओ थ्री इज़ कैपिटल वी तो हमारे पास मास ऑफ एच एन ओ थ्री हो जाएगा 1.05 V, ठीक है बट ये मास ऑफ एच एन ओ थ्री के लिए भी अपने पास क्या दिया हुआ है वैल्यू दी हुई ट्वेल्व पॉइंट सिक्स वेट बाई वेट इससे क्या मतलब है कि हमारे पास यदि हंड्रेड ग्राम सैंपल है तो हमारे पास उसमें क्या होगा ट्वेल्व पॉइंट सिक्स ग्राम नाइट्रिक एसिड होगा अब अपने पास ये जो ए, मास ऑफ एच एन ओ थ्री दिया गया है इसमें एच एन ओ थ्री का मास कितना होगा ये अपने को निकालना है तो वन ग्राम सैंपल में कितना हो जाएगा ट्वेल्व पॉइंट सिक्स डिवाइडेड बाई हंड्रेड तो इतने वन पॉइंट जीरो फाइव वी के लिए कितना होगा सैंपल में यहां पर हमारे पास वन पॉइंट जीरो फाइव वी ग्राम सैंपल कंटेन्स 12.6 पॉइंट बाई इंटू 1.05 V ये हमारा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास मास ऑफ एच एन ओ थ्री ठीक है मास ऑफ एच एन ओ थ्री हो गया इसी तरह से यदि आप मोलर मास निकालें मोल्यूलर वेट ऑफ एच एन ओ थ्री तो ये होता है हमारे पास 63 ग्राम तो अपन नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन में अपने पास क्या होगा कि इक्विवेलेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड इक्वल टू equivalent of एफ ई एस ठीक है तो अपने पास सबसे पहले नाइट्रिक एसिड के केस में बात करें तो हमारे पास मास गिवन है 12.6 पॉइंट सिक्स बाई हंड्रेड इंटू वन वी ये मास है डिवाइडेड बाय मोलर मास 63 ग्राम ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए HNO3 के इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे से एन फैक्टर से तो एन फैक्टर हमारे पास कितना दिया हुआ है यहाँ पर एन फैक्टर हमारे पास थ्री दिया हुआ है तो ये इक्वेलेंट्स ऑफ नाइट्रिक एसिड आ जाएंगे इसी तरह से यहाँ पर एफ ई एस ओ फोर का कितना मास दिया गया वन ग्राम सैंपल है डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ एफ ई एस ओ फोर पॉइंट सेवन एच टू अपन यदि देखें एफ ई एस ओ फोर पॉइंट सेवन एच टू हमारे पास मोलर मास हो जाएगा टू सेवनटी एट ग्राम तो यहाँ पर वन ग्राम में टू सेवनटी एट से डिवाइड किया तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एन फैक्टर से तो यहाँ पर एन फैक्टर वन है ठीक अब इस इक्वेशन में हमारे पास अन केवल कैपिटल वी है जो कि वॉल्यूम है एच एन ओ थ्री का इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या जाएगी? V आ जाएगी वी की ये वे की वैल्यू आ जाएगी ज़ीरो पॉइंट फाइव सेवन तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है 176. द टोटल वॉल्यूम ऑफ 0.1 पॉइंट वन मोलर केमेनोफोर सोल्यूशन दैट आर नीडेड टू ऑक्सीडाइज 100 मिलीग्राम ईच ऑफ फेरस ऑक्जलीट एंड फेरस सल्फेट इन ए मिक्सचर इन एसिडिक मीडियम दैट मीन्स हमारे पास फेरस ऑक्जलीट प्लस फेरस सल्फेट इन दोनों को ऑक्सीडाइज करने के लिए 0.1 पॉइंट वन मोलर केमेनोफोर अपन यूज़ कर रहे हैं और उसका टोटल वॉल्यूम अपने को निकालना है तो so, दैट मीन्स अपन क्या करें कि कंप्लीट रिएक्शन कराने के लिए हमारे पास जो मिली इक्वेलेंट्स होंगे मिली इक्वेलेंट्स ऑफ के एम एन ओ फोर ठीक है तो कुछ मिली इक्वेलेंट्स तो फेरस ऑक्जलेट को ऑक्सीडाइज़ करने के लिए यूज़ होंगे और कुछ फेरस सल्फेट के लिए यूज़ होंगे दोनों का अपन समेशन कर देंगे वो हमारे पास यहाँ पर इस जीरो पॉइंट वन मोलर और टोटल वॉल्यूम से रिलेशन में रहेगा तो अपन देखें यहाँ पर कि मिली इक्वेलेंट्स ऑफ फेरस ऑक्जलेट एफ ई सी टू ओ फोर प्लस मिली इक्वेलेंट्स ऑफ फेरस सल्फेट ये रह जाएगा अब यहाँ पर मिली इक्वेलेंट ऑफ के अपन निकालें तो हमारे पास क्या दिया हुआ है मोलेरिटी दी हुई है तो मोलेरिटी को अपन वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे जीरो पॉइंट वन मल्टीप्लाइड बाई वी तो ये नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे फैक्टर से जिससे अपने पास मिली इक्वेलेंट्स आ जाएंगे ठीक है यहाँ पर वी क्या है ये है वॉल्यूम ऑफ के एम एन ओ फोर इन मिलीलीटर ठीक है इसको मल्टीप्लाई कर दिया एन फैक्टर से अब एन फैक्टर कैसे निकालेंगे कि एसिडिंग मीडिया में हमारे पास एम एन ओ फोर माइनस किस में कन्वर्ट होता है एम एन टू प्लस में कन्वर्ट होता है मैग्नीज़ प्लस सेवन से प्लस टू में जा रहा है तो एन फैक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा फाइव हो जाएगा तो इसको फाइव से मल्टीप्लाई कर देंगे अब यहाँ पर फेरस ऑक्जीट का निकालें तो यहां पर क्या होगा कि Fe C2O4 ठीक है ये ऑक्सीडाइज होगा एम एन ओ फोर माइनस में तो यहाँ पर एफ ई पे क्या चार्ज है टू प्लस और सी टू फोर पे भी टू माइनस ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा एफ़ ई थ्री प्लस में और सी टू CO2 फोर टू माइनस सी ओ टू में तो यहाँ पर Fe टू प्लस से थ्री प्लस में जा रहा है और सी टू फोर यहाँ पर प्लस थ्री से प्लस फोर में जा रहा है तो इसका अपन देखें तो यहाँ पर एन फैक्टर क्या है ये हमारे पास चेंज वन है और नंबर ऑफ एटम्स टू है तो ये टू हो जाएगा यहाँ पर एन फैक्टर देखें तो यहाँ पर चेंज वन है और नंबर ऑफ एटम्स भी वन है तो टोटल एन फैक्टर यहाँ पर क्या हो जाएगा टोटल एन फैक्टर हमारे पास हो जाएगा टू प्लस वन विच इज़ इक्वल टू थ्री ठीक है इसी तरह से अपन किसका देखें फेरस सल्फेट का देखें तो फेरस सल्फेट भी हमारे पास के एम एन ओ फोर की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा एफ ई टू प्लस स्टेट से एफ ई थ्री प्लस स्टेट में चला जाएगा और ये खुद एम एन टू प्लस स्टेट में आ जाएगा तो यहाँ पर भी अपन देखें तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा वन हो जाएगा तो अपन को मिली इक्लेंट्स निकाल लें तो मिली इक्वेलेंट्स के लिए क्या होगा हमारे पास सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स के लिए मास तो गिवन है डिवाइडेड बाई अपने को मोलर मास चाहिए तो यहाँ पर इसका मोलिकुलर वेट अपन देखेंगे तो ये वन फोर्टी फोर ग्राम हो जाएगा यहाँ पर इसका मोलिकुलर वेट देखेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा वन फिफ्टी टू तो हमारे पास हंड्रेड डिवाइडेड बाई हंड्रेड मिलीग्राम में दिया हुआ है तो ये मिलीक्यूलेंट्स में ही है तो इसको डिवाइड कर देंगे किससे से वन फोर्टी फोर से ठीक है तो ये क्या आ जाएगा ये मिलीमोल आ जाएगा मिलीमोल को ही आप एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एन फैक्टर क्या दिया हुआ है थ्री तो ये मिलीक्लेंट आ जाएगा इसी तरह से यहाँ पे हंड्रेड को वन फिफ्टी टू से तो ये मिलीमोल आ जाएगा इसको एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वन आ जाएगा अब इस इक्वेशन में हमारे पास अननोन केवल वी है इस इक्वेशन को आप जैसे सॉल्व करेंगे तो वी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास फाइव पॉइंट फोर एट मिलीलीटर जो कि कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है ऑप्शन सी हमारा करेक्टली मैच कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम ऑफ ए सैंपल ऑफ मोहर सोल्ट रिएक्ट कंप्लीटली विद एन बाई टेन वन बाई टेन नॉर्मल केमेनोफोर सोल्यूशन द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द सैंपल ऑफ मोहर सोल्ट इज यानी जो सैंपल दिया गया उसमें कितना परसेंटेज अपने पास मोरसोल्ट प्योर फॉर्म में ये अपने को पता करना है अब यदि मोहर सॉल्ट जो अपन देखें जिसका फॉर्मूला क्या होता है मोरसोल्ट का मोर सोल्ट का फॉर्मूला होता है हमारे पास एफ ई एस ओ फोर एन एच फोर का होल्टवाइज एस ओ फोर पॉइंट सिक्स एच टू तो इसका जो मोलिकुलर वेट होगा इसका मोलिकुलर वेट हमारे पास आ जाएगा थ्री नाइन्टी टू ग्राम ठीक है अब यदि अपन मोर साल्ट और केमेनोफोर सॉल्यूशन की रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा इक्वेलेंट्स हो जाएंगे इक्वेलेंट्स निकाल लें अपने को तो यहाँ पर मिलीलीटर टर्म्स में तो यानी मिली इक्वेलेंट्स ही अपन निकाल लेते हैं तो मिली इक्वेलेंट ऑफ मोहर साल्ट इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा मिली इक्वेलेंट ऑफ केमेनो ठीक है तो हमारे पास किस तरह से वैल्यूज़ आएंगे यहाँ पर हमारे पास मिली इक्वेलेंट्स ऑफ के एम एन ओ फोर अपन देखें तो हमारे पास फिफ्टी मल्टीप्लाइड बाई वन बाई हंड्रेड होगा ठीक है और यहाँ पर हमारे पास मोहर सॉल्ट का अपने को निकालना है तो सॉरी यहाँ पर अपन ऐसा करते हैं कि मिली इक्वेलेंट नहीं निकालते हैं इक्वेलेंट से निकालते हैं तो मिली इक्वेलेंट यहाँ पर मिली लीटर में था तो फिफ्टी डिवाइडेड बाई वन थाउजेंड यहाँ पर कर दीजिए ये नंबर ऑफ इक्वेलेंट्स ऑफ केमेनो हो जाएगा नंबर ऑफ इक्वेलेंट्स ऑफ मोरसोल्ट निकालना है तो वेट अपने पास में नहीं दिया हुआ है मोरसोल्ट का वही अपने को निकालना है तो लेट वेट मोरसोल्ट का हमारे पास कैपिटल डब्ल्यू है डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट अपने पास मोरसोल्ट का कितना दिया हुआ है थ्री नाइन्टी टू तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोरसोल्ट आ जाएगा मल्टीप्लाई कर देंगे किससे एन फैक्टर से अभी यहाँ पर एफ ई टू प्लस स्टेट में मोर्स केमेनो फोर की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये कन्वर्ट हो जाएगा अपने पास एफ ई थ्री प्लस में तो यहाँ पर एन फैक्टर क्या हो जाएगा एन फैक्टर हो जाएगा हमारे पास वन तो यहां पर वन रख देंगे ठीक इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डब्लू की वैल्यू क्या आ जाएगी डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी वन पॉइंट नाइन सिक्स ग्राम और वेट ये हमारा क्या है यह है वेट ऑफ मोहर सॉल्ट इन सैम्पल तो हमारे पास परसेंटेज प्योरिटी क्या हो जाएगी परसेंटेज प्योरिटी ऑफ मोहर सॉल्ट ये हो जाएगा हमारे पास मास ऑफ मोहर सॉल्ट विच इज वन पॉइंट नाइन सिक्स डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सैंपल यानी 2.5 पॉइंट फाइव तो ये वेल well कैलकुलेट करने पे हमारे पास आएगा 78.4 तो मोहर सोल्ट की परसेंटेज प्योरिटी हमारी कितनी है 78.4 परसेंट तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 178 फोर मोल ऑफ ए मिक्सचर ऑफ मोहर सोल्ट एंड फेरस सल्फेट रिक्वायर्स फाइव हंड्रेड ऑफ वन मोलर के फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन इन एसिडिक मीडियम द मोल परसेंटेज ऑफ मोहर सोल्ट इन द मिक्सचर इज तो सबसे पहले हमारे पास जो मोहर सॉल्ट है उसमें एफ ई टू प्लस में और यहाँ पर फेरस सल्फेट में एफ ई थ्री प्लस स्टेट में के टू सी आर टू ओ सेवन हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि एफ ई टू प्लस को एफ़ी थ्री प्लस में कन्वर्ट करेगा तो यानी जो फेरस फेरिक सल्फ़ेट हमारे पास दिया हुआ है इसको ये अनफेक्टेड रखेगा तो हमारे पास क्या होगा कि जो के टू सी आर टू ओ सेवन है टू सी आर टू ओ सेवन से सी आर टू ओ सेवन प्लस यहाँ पर एफ ई टू प्लस जो कि अपने को किससे मिला है मोहर सोल्ट से मिला है केवल इसका अपन एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि एफ ई एफ ई थ्री प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और क्रोमियम सी आर टू ओ सेवन क्रोमियम थ्री प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा अब यहाँ पर अपन देखेंगे कि इस कंप्लीट रिएक्शन को यदि आप बैलेंस कर लें तो अपन इक्व को सेटिस्फाई कर लेंगे आराम से तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा इक्वेलेंट ऑफ एफ ई टू प्लस इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा इक्वेलेंट ऑफ़ के टू सी आर टू ओ सेवन ये एफ ई टू प्लस भी अपने पास मोर सोल्ड से आए तो हमारे पास वैल्यूज़ कैलकुलेट करें तो के टू सी आर टू ओ सेवन का फाइव हंड्रेड एम एल दिया हुआ है यानी इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये वॉल्यूम हो जाएगा इसको मोलरिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे ये हमारे नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे एन फैक्टर से तो क्रोमियम हमारे पास यहाँ पर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पर ये प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट में जिससे प्लस थ्री में जा रहा है तो यहाँ पर एन फैक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा थ्री का चेंज हो रहा है और नंबर ऑफ एटम्स टू है तो एन फैक्टर सिक्स हो जाएगा तो इसको सिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी थ्री तो इक्वेलेंट्स ऑफ एफ ई टू प्लस थ्री है तो नंबर ऑफ इक्वेलेंट हमारे पास क्या होता है नंबर ऑफ इक्वलेंट्स होते हैं नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर अब यहाँ पर एफ ई टू प्लस से एफ ई थ्री प्लस जो जा रहा है उसके लिए भी एन फैक्टर क्या है वन है तो यहाँ पर अपन देखें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एफ ई टू प्लस तो ये नंबर ऑफ इक्वेलेंट्स ऑफ एफ ई टू प्लस ऑफ एफ ई टू प्लस डिवाइडेड बाई एन फैक्टर तो हमारे पास कितना दिया हुआ है थ्री डिवाइडेड बाई वन ये थ्री मोल हो जाएंगे ठीक है अब अपने पास एफ ई टू प्लस यानी जो मिक्सचर अपने पास दिया गया था फोर मोल मिक्सचर जिसमें मोर सॉल्ट भी था और फेरिक सल्फेट भी था इसमें मोर सॉल्ट का कितना पोर्शन है थ्री मोल है ये अपन ने कैसे डिसाइड किया कि एफ ई टू प्लस के ही मोल मोर सॉल्ट के बराबर होंगे क्योंकि मोहर सॉल्ट आप देखें मोहर सॉल्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है एफ ई एस ओ फोर एन एच फोर का होल्टवाइज एस ओ फोर पॉइंट सिक्स एच टू यानि अपन वन मोल मोर सोल्ट ले लें तो उसमें एक ही एटम एफ का है तो उतने ही यहाँ पर एफ ई टू प्लस आयंस भी प्रोड्यूस होंगे तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास एफ ई टू प्लस आयंस थ्री मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं तो यहाँ पर मोरसोल्ट भी कितना होगा थ्री मोल होगा अब अपन मोल परसेंटेज निकालें सैम्पल में मोल परसेंटेज तो ये क्या हो जाएगा थ्री मोल मोरसोल्ट है डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर विच इज़ फोर इन हंड्रेड तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर सेवेंटी फाइव परसेंट आ जाएगा हमारा मोल परसेंटेज ऑफ मोहर सोल्ट इन मिक्सचर करेक्ट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है वन सेवेंटी नाइन द इक्वेलेंट मास ऑफ ए मेटल इज टवाइस टू दैट ऑफ ऑक्सीजन कि हमारे पास एक मेटल है उसका इक्वेलेंट मास ऑक्सीजन से टू टाइम्स है तो अपन यदि निकालें इक्वेलेंट मास ऑफ मेटल इक्वेलेंट मास ऑफ मेटल जो है वो हमारे पास क्या होगा टू टाइम्स ऑफ इक्वेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास क्या होता है एट ग्राम तो टू इंटू एट यानी सिक्सटीन ग्राम हो जाएगा अब अपने को बोला गया हाउ मेनी टाइम्स इज द इक्वेलेंट मास ऑफ इट्स ऑक्साइड देन द इक्वेलेंट मास ऑफ द मेटल तो हमारे पास इक्वेलेंट मास ऑफ ऑक्साइड निकाल लेते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्साइड ठीक है यहां पर ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास आपने कैसे निकाला कि इक्विवेलेंट मास ऑफ एनी एलिमेंट जो होता है हमारे पास वो क्या होता है एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी तो हमारे पास ऑक्सीजन के, के केस में यदि अपन देखें फोर ऑक्सीजन एटॉमिक मास हमारे पास कितना होता है यहाँ पर सिक्सटीन डिवाइडेड बाई वैलेंसीज की टू होती है तो ये एट ग्राम आ गया तो यहां पर इक्वेलेंट मास ऑफ ऑक्साइड भी अपन देखें मेटल ऑक्साइड का तो इसमें क्या होगा इक्वेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस इक्वेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन ठीक है इक्वेलेंट मास ऑफ मेटल हमारे पास 16 है और इक्वेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास 8 है तो ये 24 ग्राम आ जाएगा अब अपने को यहाँ पर रेशियो देखना है तो इक्वेलेंट मास ऑफ ऑक्साइड अपन देख लें डिवाइडेड बाई इक्वेलेंट मास ऑफ मेटल तो ऑक्साइड का हमारे पास ट्वेंटी फोर है और मेटल का हमारे पास सिक्सटीन है तो ये रेशियो हमारे पास आ जाएगा थ्री बाई टू दैट मीन्स इक्वेलेंट मास ऑफ ऑक्साइड किससे ज्यादा है यहां पर इक्वेलेंट मास ऑफ मेटल से तो इसके लिए भी देखेंगे तो ये हो जाएगा वन पॉइंट फाइव बाई वन तो ये वन पॉइंट फाइव टाइम्स ज्यादा हो जाएगा तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट है वन एटी वन एटी में हमें क्या बोला गया है ए मेटल ऑक्साइड हैज़ द फॉर्मूला एक्स टू ओ थ्री यानी मेटल हमारे पास एक्स है यहाँ पर यहाँ पर जो मेटल है उसको रिप्रेजेंट किया गया है एक्स से ठीक है इट कैन बी रिड्यूस्ड बाई हाइड्रोजन टू गिव फ्री मेटल एंड वाटर 0.1596 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड रिक्वायर 6 मिलीग्राम ऑफ हाइड्रोजन फॉर कंप्लीट रिडक्शन द एटॉमिक मास ऑफ मेटल अपने को निकालना है तो सबसे पहले यहां पर हमारे पास क्या था कि 0.1596 ग्राम मेटल ऑक्साइड रिक्वायर्ड 6 मिलीग्राम यानी 6 इंटू टेन टू द माइनस थ्री ग्राम हाइड्रोजन रिक्वायर्ड करते हैं ठीक है तो 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितना मेटल ऑक्साइड रिक्वायर्ड होगा 0.1596 पॉइंट डिवाइडेड इंटू टेन टू पावर माइनस थ्री ग्राम मेटल ऑक्साइड रिक्वायर्स ठीक है तो ये हमारे पास क्या है वन ग्राम हाइड्रोजन इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन है इसको रिप्लेस करने के लिए जितना मेटल ऑक्साइड का मास रिक्वायर्ड होगा वो क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल ऑक्साइड इक्विवेलेंट मास ऑफ एक्स टू ओ थ्री ठीक है तो यहाँ पर इसको सॉल्व करें तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ट्वेंटी सिक्स पॉइंट सिक्स ग्राम तो इक्वेलेंट मास ऑफ़ एक्स टू ओ थ्री जो मेटल ऑक्साइड है उसका ट्वेंटी सिक्स पॉइंट सिक्स ग्राम हमारा मास हो जाएगा अब यदि अपन लिखे कि इक्वेलेंट मास ऑफ़ एक्स टू ओ थ्री जो होता है वो इक्वल क्या होगा ये हो जाएगा इक्वेलेंट मास ऑफ एक्स प्लस इक्वेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन तो इक्वलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला है ये अपन मान लेते हैं कि इक्वलेंट मास ऑफ एक्स हमारे पास है लेट से पी और ऑक्सीजन का मास कितना दिया हुआ है एट ग्राम इक्वल टू ट्वेंटी सिक्स पॉइंट सिक्स तो हमारे पास इक्वेलेंट मास ऑफ मेटल जो एक्स हमारे पास है वो कितना आ जाएगा ट्वेंटी सिक्स पॉइंट सिक्स माइनस एट विच इज इक्वल टू एटीन पॉइंट सिक्स ये हमारा होगा इक्वेलेंट मास ऑफ एक्स ठीक है अब यदि अपन देखें कि इक्वेलेंट मास कैसे निकाला था अपन ने किसी भी एलिमेंट का तो वो था हमारे पास एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी कि उसकी वैलेंसी कितनी थी तो ऑक्सीजन के लिए एट ग्राम निकाला था अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में तो यहां पर अपन देखेंगे कि अपने को क्या पूछा गया एटॉमिक मास पूछा गया यानी ये पूछा गया मेटल का तो मेटल का इक्वेलेंट मास दिया गया और वैलेंसी अपने पास क्या होगी यहां पर एक्स टू ओ थ्री में आप देखें तो इसको डिसोशिएट करेंगे तो एक्स हमारे पास थ्री प्लस आएगा और ऑक्सीजन टू माइनस आएगा तो यहाँ पर वैलेंसी क्या है थ्री प्लस है तो वैलेंसी थ्री हो जाएगी तो यहाँ पर वैल्यूज दी हुई है वैलेंसी थ्री इक्वेलेंट मास हमारे पास मेटल का क्या दिया हुआ है ये दिया हुआ है एटीन पॉइंट सिक्स तो अपन यहाँ पर एटॉमिक मास निकाल सकते हैं एटॉमिक मास हमारे पास क्या हो जाएगा एट्टीन पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाइड बाई थ्री विच इज इक्वल टू फिफ्टी फाइव पॉइंट एट ये हमारा एटॉमिक मास होगा मेटल का जो कि कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है ऑप्शन डी से मैच कर रहा है ठीक है